ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन 2016 के, और उसमें हम देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो क्या हमारे पास में जुगाड़ तरीके होते हैं, क्या हमारे पास तुक्का टेक्निक्स होते हैं, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच पाओ। ठीक है ना, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप चाहते हो इंप्रूव करना, अगर आप सीरियस हो इंप्रूव करने को लेकर के, एंड कम टाइम में आप इंप्रूव करना चाहते हो, 180, 200 इस रेंज में लेकर के जाना चाहते हो, और अगर किसी कारण से आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार ये चीज़ कैसे हो सकता है, आप परेशान हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स जो हमारे पास में है, कॉम्बो कोर्स 1.0 एंड 2.0, इससे आप श्योर शॉट अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर में एनरोल हो चुके हैं एंड अपने स्कोर को कर रहे हैं। कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है, कोर्स में आपको सिखाया जाता है किस तरीके से आपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। 80, 100 इस रेंज में आप हो तो वहां से किस तरीके से 170, 180, 200 लेकर के जा सकते हो। आपको ट्रिक्स की सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे एप्लीकेशन लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में दिखाए जाते हैं। एंड ये तो रहा 1.0 की बात, 2.0 के कोर्स में आपको 2021 के सारे जो 26 शिफ्ट हुए थे उन सब में आपको जो है ट्रिक्स लगा करके पूरे पूरे पेपर में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप 1.0 कोर्स भी ले सकते हो या फिर 1.0 एंड 2.0 का आप कॉम्बो ले सकते, तो जिससे आपकी पूरी पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, 2021 के सारे पेपर्स में आप लोग जो है ट्रिक्स को देख पाओगे। ठीक है, अब कोर्स में एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेमेंट पेज का लिंक दिया रहेगा, वहां पर आप जाओगे, सारी डिटेल्स देखोगे कि भैया क्या क्या डिटेल्स है कोर्स के अंदर में। पेमेंट प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है, अपनी डिटेल्स करेक्टली देना है, अपनी मेल आईडी है ना, और जो भी आपको डिटेल्स पूछी जाएंगी वो आपको करेक्टली फिल करनी है। पेमेंट कंप्लीट करना है आपको एंड सिर्फ आपको रिलैक्स करना है। आपको हमारे टीम की तरफ से, एआर स्क्वाड की तरफ से जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड कोर्स के वीडियोस कैसे मिलेंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको जो है ईमेल में लिख दी जाएंगी। एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोज भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे, शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप काफ़ी अच्छे से कम टाइम में इस कोर्स के थ्रू अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं 2022 वाले, अगर आप सीरियस हो अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, तो मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो, यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2016 के मैथ्स के सेक्शन में से। हम लोग ऑलरेडी 28 क्वेश्चंस देख चुके हैं जेईई मेन 2016 के पेपर में से, जिसमें से हम लोग फिजिक्स के 2 एपिसोड देखे, केमिस्ट्री के हम लोग 2 एपिसोड या 3 एपिसोड देखे है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 20 क्वेश्चन हो गया था, और मैथ्स के हम 2 एपिसोड ऑलरेडी देख चुके हैं, 8 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं, और इस वीडियो के बाद में 32 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसके बाद भी 1 एपिसोड हमारा आने वाला है। तो आप देख सकते हो जेईई मेन के 2016 के पेपर में से हम कितने सारे क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स और तुक्का टेक्निक ये सारी चीजें लगा रहे हैं। ये वाला एपिसोड आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, यहां पे जो 4 क्वेश्चन है ना, ये थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, वैरायटी के क्वेश्चंस है, और इसमें हम अच्छा अपना जुगाड़ टेक्निक्स लगाएंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। थोड़ा सा इट्स काइंड ऑफ कि आपका ब्रेन को हिट करेगा, जो सारे टेक्निक्स हैं आपको सोचने पे थोड़े से मजबूर करेंगे, मजा आपको बहुत ज्यादा आएगा। अटेंशन के साथ में आपको जो इस वीडियो को जो है देखनी है पूरी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं हम लोग क्या करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, उल्टा इंजीनियरिंग यूज करने वाले हैं, मतलब कि हम लोग इंटीग्रेशन ना करके डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिखता हूं मैं उल्टा इंजीनियरिंग, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा होता है ना, वैसे यहां पर हम क्या करेंगे, उल्टा इंजीनियरिंग का यूज करेंगे। मतलब कि हमको बोला है यहां पर, हमको क्या बोला है यहां पर, इंटीग्रेट करो, लेकिन हम यहां पर इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, इसका रीजन क्या समझ लो, बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है, इजी लगता है, बट इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे टाइम में ना, मुझे इंटीग्रेशन थोड़ी सी दिक्कत देती थी, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी ज्यादा। अगर आप भी ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको डिफरेंशिएशन इजी लगता है, कंफर्टेबल हो, आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। लगभग हर साल जेईई मेन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आ जाता है, आप उसको इस तरीके से कर सकते हो, आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके कर सकते हो। मतलब कि आप पहले ऑप्शन ए को डिफरेंशिएट करोगे, देखोगे आंसर है कि नहीं, बी को डिफरेंशिएट करोगे, देखोगे आंसर है कि नहीं, सी एंड डी इस तरीके से आप करते जाओगे, चारों में से जो भी डिफरेंशिएट करके आपका क्वेश्चन बन जाता है वो आपका आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके आंसर लाओ या फिर आंसर को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन लाओ, बात बराबर होती है, राइट। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें सिंपल हमारा जो टेक्निक है इसको अभी कर लेते हैं। हमारा जो टेक्निक है ना, कि जो मैं बार बार कहता हूं, टीचर्स हमें, जो टीचर होता है जो क्वेश्चन बनाता है, वो हमें सिमिलर ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं, टीचर हमें सिमिलर ऑप्शन में कंफ्यूज करने का
करने का ट्राई करता है। ठीक है, तो जो टीचर होता है ना वो हमें सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का जो है ट्राई करता है। तो यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो टीचर आपको दो ई स्क्वायर में कंफ्यूज कर रहे हैं, यहां भी एक ई स्क्वायर है और यहां भी एक ई स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ई स्क्वायर ये जो बी और सी ऑप्शन है इसमें आंसर होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। तो आप हमेशा चीज ध्यान रखना, अगर आपको दो ऑप्शन सिमिलर दिखते हैं या तीन सिमिलर दिखते हैं, कोई भी सिमिलर टर्म्स आपको दिखता है, तो थोड़े हाई चांसेस बन जाते हैं, थोड़े क्या बहुत ज्यादा हाई चांसेस बन जाते हैं कि आंसर उसी में से होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसको करेक्ट आंसर पता होता है, अब वो ऑप्शंस को बनाता है, जब वो ऑप्शंस को बनाता है तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी है, टीचर नहीं चाहता कि आप करेक्ट आंसर तक इजीली पहुंच पाओ, तो वो सोचता है कि आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जाए। तो उस केस में उसने सोचा कि यार आंसर में ई स्क्वायर है तो चलो दो ऑप्शन ई स्क्वायर का डालता हूं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। ये एक सिंपल साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसके बेस पर ऑप्शंस बनती है, उसको आपको समझना है। ऑप्शंस बनता कैसे है, ऑप्शंस में जब भी आप देखोगे सिमिलर ऑप्शन एक से ज्यादा बार आपको दिख रहे हैं तो समझ जाओ उसी में से आपके आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे उन दोनों में से। ठीक है, यहां पर आपका ईट द पार फोर है, नहीं लगाओगे, यहां पर तो एकदम ही अलग टर्म है तो इसको तो पहले ही काटना है, एकदम ही अलग टर्म है काट दो। ठीक है, सिमिलर टर्म्स में से आपका जो आंसर होता है, क्योंकि टीचर आपको उन्हीं ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है ना, ओके तो यहां पर मैं एक चार्ट बना लेता हूं। इफ दिस इज आर चार्ट, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन टू है, क्वेश्चन थ्री है, क्वेश्चन फोर है, तो क्वेश्चन नंबर टू का हमको क्या करना है, बी और सी में से तुक्का लगाना है। क्वेश्चन नंबर टू का क्या करना है, बी और सी में से हमको तुक्का लगाना है। क्वेश्चन थ्री और फोर में थोड़ा सा आ जाते हैं, तो थ्री में हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम अप्रोच यूज करेंगे। डायग्राम अप्रोच, व्हाट इज दिस डायग्राम अप्रोच, डायग्राम अप्रोच ना हमारे ट्रिक्स के ना कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, फील मेथड, रिपीटेड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर में डिस्कस करी है, जो हमारा जेई मेन का 2022 का कोर्स है। ठीक है, डायग्राम अप्रोच को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, डायग्राम अप्रोच को हम लोग यहां पर यूज करेंगे, मतलब हम लोग डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर हम डायग्राम बना के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तुक्का लगाते हैं, ट्रिक्स लगाते हैं, उसमें तो डायग्राम अप्रोच का क्वेश्चन, कभी हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, कभी हम अजम्पशन मेथड यूज करते होता है, अजम्पशन मेथड का तरीका हुआ वो, राइट। तो ये अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सारे अगर आपको डिटेल में जानने हैं, एप्लीकेशंस देखने हैं, लेटेस्ट पेपर के अंदर में अगर आपको देखने हैं, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा 1.0 प्लस 2.0 का जो कॉम्बो कोर्स है ना, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, और इसमें ऑफर भी चल रहा है, ₹999 में आपको दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे, 1.0 2.0 का कॉम्बो कोर्स 2022 का जो हमारे पास में है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर में पार्ट ले चुके हैं, एनरोल कर चुके हैं, अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो, गो फॉर दिस। इसके अंदर में ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशन, लेटेस्ट पेपर के अंदर में 2021 के सारे जो 26 पेपर्स हैं हमारे, वो हमारा 2.0 के अंदर में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी कंप्लीट पैकेज है, कॉम्बो के अंदर में आप लोग एनरोल कर सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है आप सब लोगों के लिए। ठीक, अच्छा, तो यहां पे हम डायग्राम अप्रोच का यूज करेंगे। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर भी हम डायग्राम अप्रोच को यूज करेंगे। काफी दिनों बाद हमारा जो है डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम अप्रोच को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब विल ड्रॉ डायग्राम एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगा। डायग्राम अप्रोच के साथ में हम लोग यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन का भी प्रयोग करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन का भी जो हमारा टेक्निक है उसको भी यहां पर हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो डायग्राम प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन दोनों को कंबाइन करके हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अगर हम ध्यान से देखें, ए वन ऑफ द डायग्राम्स ऑफ द सर्कल, ये एक सर्कल है, तो सपोज कर लो ये एक सर्कल है। ठीक है, ऐसा एक सर्कल है। ठीक है, कह रहा है वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल। अब डायमीटर मतलब क्या, सेंटर से पास करेगा, है ना। ये एक सर्कल है, कौन सा, ये वाला सर्कल है, इसको मैं क्या कहता हूं, C1 नाम दे देता हूं, C1। ठीक है, तो ये क्या है, C1 है। इसका सेंटर क्या है, 2, -3, तो ये पॉइंट क्या है, 2, -3, सही है ना। ये सेंटर होता है -G, -F, यहां से आप निकालते हो। ठीक है, तो हमारा आ गया 2, -3 और ये सर्कल आ गया C1, इसको मैं C1 नाम दे रहा हूं। अब ये जो डायमीटर है ना, ये कोई भी एक डायमीटर है, वन ऑफ द डायमीटर कह रहा है ना, तो वन ऑफ द डायमीटर हमने ले लिया। इट इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल S, एक दूसरा सर्कल है उसका ये कॉर्ड है। एक दूसरा सर्कल ले लो जिसका ये कॉर्ड देखने में लगे, तो मैं क्या करता हूं, एक दूसरा सर्कल बनाता हूं जिसका ये कॉर्ड लगे। तो ये मैं एक दूसरा सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज अनदर सर्कल जिसका ये पहला वाला जो है ना वो कॉर्ड लग रहा है। तो ये हमारा सर्कल दूसरा है S, ठीक है, पहला सर्कल था C1, उसका सेंटर 2, -3, उसी से डायमीटर पास करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, जो कि दूसरे सर्कल का कॉर्ड है।
ठीक है। तो अगर आप सिर्फ दूसरे सर्कल को देखोगे तो ये दूसरे सर्कल का कॉर्ड लगेगा। कॉर्ड मतलब क्या होता है, इस तरीके का कोई फिगर, ये कॉर्ड है। डायमीटर मतलब सेंटर से पास करना, कॉर्ड मतलब सेंटर से पास नहीं करना। तो ये कॉर्ड हो गया दूसरे सर्कल के लिए, राइट। और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर है -3.2। तो जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर क्या है, यहां पे होगा, लेट से होगा -3.2। दिस इज द सेंटर ऑफ द दूसरा सर्कल, राइट। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है रेडियस ऑफ द एस, रेडियस ऑफ द दूसरा सर्कल। मेरे को एक बेसिक सी चीज बताओ, ये जो फर्स्ट सेंटर है फर्स्ट सर्कल का और जो दूसरा सर्कल का सेंटर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले तो वो निकालो क्या है। वो डिस्टेंस आपका आएगा रूट ओवर ऑफ 2 - -3 का होल स्क्वायर, है ना, 2 - -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - -2 का होल स्क्वायर, -3 - -2 का होल स्क्वायर, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का मतलब वो पूरा रूट। तो 2 - -3 मतलब कि आपका हो गया 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 2 मतलब -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर। तो ये कुल मिला के कितना आ गया, 25 + 25 रूट 50, कुल मिला के कितना आ गया, रूट 50 आ गया। अब रूट 50 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 50 हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली सेवन पॉइंट समथिंग। अब मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ कि ये जो हमारा रेडियस है, मतलब हमको दूसरे वाले का रेडियस चाहिए, तो वो ये होगा, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल, है ना। तो आप मेरे को बताओ, अगर ये वाली लेंथ 7 है, इफ दिस लेंथ यहां से यहां तक अगर 7 है, तो जो रेडियस आएगी वो 7 से बड़ी होगी, है ना, क्योंकि इतना सा अगर रेडियस है तो ये रेडियस, सॉरी, इतना सा अगर डिस्टेंस 7 है तो ये रेडियस जो है वो 7 से बड़ा होगा, है ना। तो जो सर्कल है सेकंड वाला उसका रेडियस 7 से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का सेंटर जो है वो 7 है, तो रेडियस जो है वो 7 से बड़ा होगा। ऑब्वियसली डायग्राम से समझ में आ रहा है, इसी को कहते हैं डायग्राम अप्रोच। डायग्राम बना के हमको कोई चीज अगर समझ में आ जा रही है तो हम डायग्राम अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 7 point something से बड़ा होगा, ठीक है, 7 point something से बड़ा, मतलब हम बोल सकते हैं 8 से बड़ा, 9 से बड़ा, कुछ उस रेंज में हमारे पास में हो सकता है, ठीक। अब अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो आप देखोगे ऑप्शन सी तो 5 दिखा रहा है, तो 5 तो बहुत छोटा हो गया, 7 से भी छोटा हो गया, हमको तो 7 से बड़ा चाहिए, तो 5 को आप क्या करोगे, काट दोगे। आप देखोगे 10 तो बड़ा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे 5√3 मतलब कि 5 × 1.7, तो ये आपका आ गया 8.5 something, तो ये 7 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रख लो, ठीक है। आप देखोगे 5√2 का मतलब है 5 × 1.4, तो ये कितना हो गया, ये तो हमारा हो गया 7 ही हो गया, लेकिन हमको तो 7 से बड़ा चाहिए, तो ये हो जाएगा कट, 5√2 कट गया, 5 कट गया, 10 बचा है, 5√3 बचा है। बच्चा बच्चा बोल देगा इसका आंसर 5√3 होगा, क्यों, क्योंकि तीन बार आपको 5 का टर्म दिख रहा है, तो हाई चांसेस है ना 5 को हम वो करेंगे, तुक्का लगाएंगे, तो इसका आंसर हमारे पास में आप क्या करोगे, बी मार्क करोगे। ए और सी तो एलिमिनेट हो गए, और बी और डी में आप डी को एलिमिनेट करोगे, क्योंकि उसमें 10 का फिगर है, बाकी तीन ऑप्शन में 5 का फिगर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई है कि 5 का फिगर आंसर में होगा, क्योंकि जो टीचर है वो आपको सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो वो आपको 5 के ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है, 5√2 5√3 हर जगह 5 दिया हुआ है, तो आप 5√3 को तुक्का लगाओगे, तो सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन 4 के लिए, बी, जो कि 5√3 आपका होगा। क्या आपको बात समझ में आई, तो हमने डायग्राम बनाया और उससे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, तो हमारा डायग्राम अप्रोच और ऑप्शन एलिमिनेशन का कॉम्बिनेशन लगा यहां पे, क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये कॉम्बिनेशन हमारा यहां पर जो है लगा है, ठीक, ओके। थर्ड क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर फर्स्ट में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखो, सेंटर्स ऑफ दोस सर्कल्स विच टच द सर्कल दिस एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस लाई ऑन। तो पहले तो ये वाला सर्कल बना लो, ये जो सर्कल है ना इसको आप पहले ड्रॉ कर लो, तो इसका सेंटर क्या है, 4.4, ठीक है। तो मैं तो क्या करूंगा, इस तरीके से बनाऊंगा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 4.4 सेंटर हो जाएगा इसका। इसकी रेडियस कितनी होगी पता है, इसकी रेडियस होगी रूट ओवर ऑफ 4 का स्क्वायर 16 + 4 का स्क्वायर 16 -c मतलब कि +4, ठीक है, √g² + f² - c इसका सेंटर निकाल रहा हूं, 4² + 4² -4, तो कुल मिला के आ जाएगा √36 मतलब कि 6, इसका रेडियस आ रहा है 6, ठीक। तो 6 राइट में जाओ, 1 2 3 4 5 6 राइट में जाओ, 6 लेफ्ट में जाओ तो 4 तो पीछे और 2 और पीछे चला जाओ, तो यहां पर आ गया ये, 6 नीचे जाओ 4 नीचे, 2 और नीचे चले जाओ, यहां पर आ गया ये, फिर ऊपर जाओ 6, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया ये। तो ये हमारा रफ सर्कल है जिसको हम अभी यहां पर ड्रॉ किए, दिस इज द रफ सर्कल। एग्जैक्ट देखो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हम इंसान हैं,
बट हाँ रफली हम जरूर ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज द रफ सर्कल हमारा ये वाला, इसको हम C1 बोल देते हैं। लेट से दिस इज C1 रफ सर्कल, जिसका जो सेंटर है वो कहां है, 4.4 पे, राइट। अब देखो, अब हमारे पास में क्या हमको बोल रहा है, हमको लोकस चाहिए किसका, सर्कल का, सर्कल के भी सेंटर का, सेंटर ऑफ ऑल दो सर्कल्स जो इसको टच करते हैं एक्सटर्नली, मतलब अंदर से, एक होता है अंदर से टच करना, ये इंटरनल टच है, हमें एक्सटर्नल टच चाहिए, बाहर से टच चाहिए, ठीक है ना, और जो कि एक्स एक्सिस को भी टच करे। मतलब अब देखो बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, देखो ध्यान से समझना, बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे हमारे इस केस में, तो आप ध्यान से अगर समझने का ट्राई करोगे तो एक्स एक्सिस को भी टच करे, ठीक है, एक्स एक्सिस को भी टच करे और एक्सटर्नली इसको भी टच करे, ठीक है। अब देखो कितने सारे हमारे सर्कल्स जो यहां पर बन सकते हैं, जैसे कि अब एक्स एक्सिस को टच करना है, क्रॉस नहीं करना है, तो आप ऐसा सर्कल नहीं बना सकते, यू हैव टू टच दी एक्स एक्सिस, राइट, यू हैव टू टच दी एक्स एक्सिस। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये सर्कल नहीं बन सकता बिकॉज ये तो टच नहीं कर रहा है ना। तो आपके सर्कल्स ना किस तरीके से बनेंगे पता है, अगर आप नीचे की तरफ देखो, लेट से सिर्फ नीचे की तरफ, तो आपका एक सर्कल ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और आपका सर्कल को भी एक्सटर्नली टच कर रहा है, फिर आपका क्या होगा, ऐसा बनेगा, बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, समझ रहे हो। और उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका होगा छोटा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर और, मतलब समझ में आ रहा है आपको, एक पैटर्न सा फील हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। उसी तरीके से आप ऊपर में भी अगर देखोगे तो एक सर्कल आपका लेट से ऐसा बन गया, लेट से आपका एक सर्कल ऐसा बन गया, फिर जो दूसरा सर्कल बनेगा वो बड़ा बनाना पड़ेगा, वो बड़ा इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको एक्स एक्सिस को भी टच कराना है और सर्कल को भी टच कराना है, तो वो आपका बड़ा बनेगा। फिर और ऊपर जाओगे तो और बड़ा बनेगा, और ऊपर जाओगे तो और बड़ा बनेगा, क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपको एक्स एक्सिस को भी टच कराना है और सर्कल को भी टच कराना है, क्या आपको बात समझ आ रही है। तो मैं आपको क्या करता हूं, ये फिगर आप मान लो, ऐसा कोई फिगर है, ऐसा कोई आपका फिगर है, अब आप सोचो कितने सारे सर्कल्स बनेंगे, एक ये बन गया, फिर एक ये बड़ा वाला बन गया, फिर एक और बड़ा वाला बन गया, ऐसे करते करते फिर इस साइड में भी बनेगा, है ना, इधर भी बनेगा, इधर एक बड़ा बन गया, फिर इधर और बड़ा बन गया, तो हमें एक्स एक्सिस को भी टच कराना है और सर्कल को भी एक्सटर्नली टच कराना है। तो जब आप देखोगे ये करने के बाद में, तो इन सब का जो सेंटर्स होगा वो आपको क्या फील आएगा, वो आपको देखने की यहां पर जरूरत है। तो क्या वो इलिप्स आएगा, सर्कल आएगा, हाइपरबोला, पैराबोला, क्या आएगा, वही चीज आपको यहां पर देखना है। तो मुझे तो यार ये एक पैराबोला सा फील आ रहा है, मुझे ना एक पैराबोला सा फील आ रहा है, ठीक है, मतलब एक पैराबोला सा मेरे को फील आ रहा है यहां पर। आप चाहो तो मैं यहां पर एक डायग्राम वापस से बना के दिखा देता हूं, ये इस तरीके से है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4.4 पे है, ठीक है, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, इस तरीके से हमारा सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से हमारा सर्कल है। अब हमें बहुत सारे सर्कल्स बनाने जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो लेट से ये एक सर्कल हो सकता है, फिर हम देखें तो लेट से ये एक सर्कल हो सकता है, फिर हम देखें तो लेट से ये एक सर्कल हो सकता है, फिर हम देखें तो लेट से, धीरे धीरे आपका सर्कल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस को भी टच करना है। ये देखो एक्स एक्सिस को टच, 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 ऐसे करते करते, और इसको भी एक्सटर्नली टच करना है। उसी तरीके से यहां पर होगा, फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो इन सबका जो सेंटर्स है, ये एक सेंटर, 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 उसी तरीके से यहां पर भी आएगा सेंटर, 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 सेंटर। तो ये पैराबोला नहीं दिख रहा आपको, ये पैराबोला सा फील नहीं आ रहा आपको, मुझे तो आ रहा है यार, है ना, मुझे तो एक पैराबोला जैसी फीलिंग आ रही है। तो मैं यहां पर पैराबोला को मार्क करूंगा, ठीक है, मैं यहां पर पैराबोला को मार्क करूंगा, क्योंकि देखो सर्कल तो वेरी क्लियरली नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि सर्कल के साइजेस बढ़ रहे हैं, तो जो हमारा सेंटर्स है वो बहुत दूर जाता रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सेंटर्स बहुत दूर जाएगा, सर्कल तो नहीं है, सर्कल काट देंगे। इलिप्स का तो शेप ही अलग होता है, इस टाइप का होता है, वो भी कट जाएगा। हाइपरबोला इस टाइप का कुछ शेप होता है, आपको पैराबोला सी फीलिंग आएगी, ठीक है, आपको पैराबोला जैसा जो है चीज लगेगा, क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही बात है यार, मतलब आई नो एग्जैक्ट हम लोग नहीं बना पाए हैं, बट एक अप्रोक्सीमेशन हम करके एक बता सकते हैं कि हाँ पैराबोला आंसर हो सकता है। मैं 100% नहीं बोलूंगा कि सब कुछ सही से बना है, बट हम कह सकते हैं 90% पैराबोला माइट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, मतलब हम यहां पर सिर्फ अपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, अपने गेसिंग को बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो हम यहां पर क्या करेंगे, डी को मार्क करेंगे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर हमारा क्या है,
यहां पर हमारे पास में हमको ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना है, तो U by V मेथड से डिफरेंशिएट होगा। आई होप U by V मेथड आप सबको आता हो। U by V मेथड में क्या होता है, देखो कैसे होता है। पहले हम फर्स्ट वाले को करते हैं, फर्स्ट वाले को, ठीक है। फर्स्ट वाले को अगर हम करेंगे तो कैसा आएगा पता है, नीचे वाले का स्क्वायर करना होता है, नीचे वाले का स्क्वायर करना होता है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाले को एज इट इज ऊपर रखो, नीचे वाले को एज इट इज आप ऊपर रखो, x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, मतलब x टू द पावर 5 को डेरिवेटिव करोगे तो 5x टू द पावर 4 आएगा और विद अ माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस 5x टू द पावर 4, ठीक है। ये हुआ एक टर्म। अब माइनस साइन, माइनस साइन, अब ऊपर वाले को एज इट इज रखना पड़ता है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा x टू द पावर 5, और नीचे वाले को पूरा का पूरा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वी नीड स्पेस फॉर दिस, मैं देखता हूं अगर मेरे पास में पेपर हो तो, ठीक है। सो यहां पे मेरे पास में पेपर है, मैं चाहूं तो यहां पे कर सकता हूं, बट कचरा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहां पर अच्छे से दिखा देता हूं आपको, ठीक। सो हम सबसे पहले ऑप्शन ए को डिफरेंशिएट करते हैं। ऑप्शन ए को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास में क्या है, माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या तरीका, यू बाई वी मेथड है। सबसे पहले नीचे वाले को स्क्वायर करना पड़ता है, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 टू द पावर 4, नीचे वाले को रखना पड़ता है ऊपर, तो नीचे वाले को हम लोग रखेंगे एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आएगा माइनस 5x टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा माइनस 5x टू द पावर 4। फिर माइनस करते हैं, अब ऊपर वाले को रखते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। पहले नीचे वाले को रखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, अब ऊपर वाले को रखेंगे, सो विल राइट, विल कीप माइनस एक्स टू द पावर 5, एंड नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, हमको आएगा 2 एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, ये आएगा, है ना, ये हमारे पास में आएगा 2 एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस 1, ये हमारे पास में जो है आ जाएंगी चीजें, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल से अंदर का भी डिफरेंशिएट करना है, तो अंदर का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अंदर का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक। मैं इसको ना थोड़ा और सुंदर से करूं, ये थोड़ा गंदा हो रहा है आपको, मैं और सुंदर से करके दिखाता हूं, मैं नहीं चाहता कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत आए। तो मैं क्या करता हूं, ऑप्शन ए सबसे पहले यहां पर लिखा माइनस एक्स 5, मैं छोटा छोटा लिखता हूं ताकि आपको सही से समझ में आए सारी चीजें, ठीक है। ये है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर होता है, तो एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 4 हो जाएगा स्क्वायर करने पे। नीचे वाले को रखते हैं ऊपर, नीचे वाले को रखा ऊपर, नीचे वाले को रखा ऊपर, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब माइनस 5 एक्स टू द पावर 4, ठीक है। फिर बीच में एक माइनस साइन आता है, अब ऊपर वाले को रखते हैं, ऊपर वाले को रखेंगे तो माइनस एक्स टू द पावर 5, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब कि 2 एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस 1। अब चेन रूल से आगे का अंदर का भी डिफरेंशिएट होगा, तो चेन रूल से अंदर का डिफरेंशिएट होगा तो हमको मिलेगा 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पूरा डिफरेंशिएशन आया फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले को करो इसी तरीके से, सेकंड वाले क्या है हमारा, एक्स टू द पावर 10 अपॉन 2 एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो तो नीचे वाले को आप स्क्वायर करोगे तो आपका 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस 1 का पावर 4। अब नीचे वाले को ऊपर रखना पड़ता है, नीचे वाले को आप ऊपर रखोगे तो मतलब कि 2 x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करो 10 x टू द पावर 9, बीच में माइनस साइन आएगा। अब ऊपर वाले को रखोगे x टू द पावर 10, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2, तो एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1, फिर चेन रूल से ये चीज वापस आ जाएगी, है ना, 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ये पूरा यहां पर ब्रैकेट लगा दिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट में दिस एंड 2, ठीक है। क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाले को रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता ना यार, पढ़ने की जरूरत है, अगर आपको यू बाई वी मेथड का फॉर्मूला ही ढंग से नहीं आता तो दिक्कत है आपके साथ। अच्छा, अब इसके बाद में करने की और जरूरत नहीं है सी और डी, बिकॉज सी और डी जो है ना, सी को मैं बोल सकता हूं माइनस ऑफ ए,
है ना, और डी को मैं बोल सकता हूं माइनस ऑफ बी, बात सही है। तो ए का जो आएगा इसका माइनस ए आ जाएगा और बी का जो आएगा इसका माइनस बी आ जाएगा, राइट। हम बस इसको चेक करते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस जो एक्सप्रेशन है ये वाला, आप इसको इसमें कन्वर्ट तो कर ही नहीं सकते। कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस? बहुत अच्छे हो गए मैथ्स में तो कर पाओगे, मेरे जैसे हो गए तो नहीं कर पाओगे। तो अगर मेरे जैसे हो गए और इसको आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट इज द सेफेस्ट थिंग, आप एक्स की वैल्यू अजम्पशन मेथड यूज कर लो। हियर कम्स आवर अजम्पशन मेथड, लेट एक्स इक्वल टू वन। सो आप एक्स इक्वल टू वन ले लो यहां पर भी और यहां पर भी। तो अगर आप क्वेश्चन में एक्स को वन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टू प्लस फाइव अपॉन वन प्लस वन प्लस वन, थ्री का क्यूब, है ना। वन वन लोगे तो टू आएगा ऊपर, ऊपर आएगा फाइव, फाइव प्लस टू इज लाइक सेवन, और नीचे आएगा वन 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 का क्यूब, थ्री का क्यूब। तो कुल मिला के आपको आएगा सेवन अपॉन ट्वेंटी सेवन, सेवन अपॉन ट्वेंटी सेवन। आपको यह देखना है कि यहां पर सेवन अपॉन ट्वेंटी सेवन किसको मिलता है एक्स की वैल्यू वन डालने पे। बात तो एक ही है ना, आप अगर इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप इधर भी वन डाल लो, इधर भी वन डालो, जो मैच किया वो आंसर है ना। आपने इंटीग्रेट के जगह डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन अब मैच भी तो करना है। मैच नहीं हो रहा तो एक्स की वैल्यू पुट करके चेक कर लो, वैल्यू तो सेम आएगी ना। दो एक्सप्रेशन अगर सेम है तो उसमें हम अलग अलग एक्स की वैल्यूज, सेम वैल्यूज एक्स में डालेंगे दोनों में, तो वैल्यू सेम आएगी ना। अगर मैं कहता हूं ए एक्सप्रेशन इज इक्वल टू बी और ये दोनों दिखने में अलग है, कोई बात नहीं दिखने में अलग हो, लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू वन डालता हूं यहां पे और एक्स की वैल्यू वन डालता हूं यहां पे, तो दोनों सेम वैल्यू देगा ना अगर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू वन को यहां पर पुट किया, सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करने जाएं, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको आएगा वन वन वन, थ्री का स्क्वायर आ जाएगा नाइन, ठीक है। यहां पर आ जाएगा माइनस फाइव, ठीक है, नाइन माइनस फाइव, ठीक है। फिर यहां पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, यहां पर आ जाएगा माइनस वन, फिर यहां पर आ जाएगा वन 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 थ्री, थ्री टू जा सिक्स, फिर यहां पर आ जाएगा फाइव प्लस थ्री एट, कुल मिला के ऐसा आ गया। डिवाइड करेंगे यहां पर आएगा वन वन वन, थ्री का पावर फोर, मतलब कि थ्री का पावर फोर कितना हो जाएगा, एट्टी वन हो जाएगा, ठीक है। तो एक कुल मिला के कितना आ गया, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, माइनस फोर्टी फाइव आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस एट सिक्स जा फोर्टी एट आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा एट्टी वन से। तो एक कुल मिला कितना आ जाएगा, 48 माइनस 45, 3, 3 अपॉन 81, 3 अपॉन 81 का मतलब क्या है, 1 अपॉन 27, हमको क्या चाहिए, 7 अपॉन 27। तो ये तो करेक्ट नहीं हो रहा, ये तो करेक्ट नहीं हो रहा, 3 अपॉन 81 आ रहा है ना, 1 अपॉन 27 आ रहा है। अच्छा, अगर ये करेक्ट नहीं हो रहा तो साला सी भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो बस माइनस साइन का फर्क है ना। ये 3 अपॉन 81 आ रहा है, ये माइनस 3 अपॉन 81 आएगा, दोनों करेक्ट नहीं है। तो आप यहां पर ए और सी दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब बी और डी को चेक कर लो। बी में अगर हम चेक करें, यहां पर वन 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 डालोगे, थ्री का स्क्वायर नाइन आएगा, नाइन टू जो एटीन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा टेन, तो एटीन इंटू टेन माइनस, यहां पर तो वन है ही, फिर ये आ जाएगा थ्री, थ्री टू जो सिक्स, सिक्स टू जो ट्वेल्व, तो ये आ जाएगा ट्वेल्व, और फिर यहां पे मल्टीप्लाई होगा फाइव प्लस थ्री एट, ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा हमारा फोर इंटू एटी वन के साथ में, ठीक है, थ्री का पावर फोर। तो कुल मिला के आ जाएगा एटीन इंटू टेन वन एट्टी, माइनस ट्वेल्व इंटू एट कितना होता है, ट्वेल्व इंटू एट कितना होता है देख लेते हैं, एट टू जा सिक्सटीन, एट वन जा एट नाइन, नाइनटी सिक्स होता है, ये हो गया नाइनटी सिक्स, डिवाइड हो गया फोर इंटू एटी वन के साथ में, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो गया हमारा, एटी फोर अपॉन फोर इंटू एटी वन आ गया, ये कुल मिला के हमारा इस तरीके से आ गया है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, फोर को काटेंगे ट्वेंटी वन आ जाएगा, ट्वेंटी वन अपॉन एटी वन, ट्वेंटी वन अपॉन एटी वन को अगर हम काटते हैं तो हम थ्री से अगर काटे तो थ्री सेवन जा, और यहां पर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन, तो 7 बाई 27, और हमको क्या चाहिए था, 7 बाई 27। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस बी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑप्शन डी सेटिस्फाई नहीं करेगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये नहीं करेगा, इसको भी काट दो, एक ही ऑप्शन बचा हमारा ऑप्शन बी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया यहां पर, हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहां पर ऑप्शन बी, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है, आपको बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा बना हो, बट बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं एक एक चीज बोल रहा हूं आपको, राइट। अगर मैं एक एक चीज बोल रहा हूं, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ये सब चीज नहीं करना, आपको एग्जाम में किसी को एक्सप्लेन थोड़ी करना है, ठीक है। सीखने में दो साल लगता है, पेपर तो आप तीन घंटे में देते हो, तो सिखा रहा हूं मैं यहां पर, सिखा रहा हूं कैसे करना है आपको। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आप करोगे, चार नंबर उठाओगे, आपको बहुत खुशी होगी। थोड़ा सा टाइम हो सकता है एक्स्ट्रा लगे, बट नंबर आपको प्रोवाइड करके जाएगा, ठीक है। और जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो जिनके पास टाइम ही नहीं होता एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको ये ट्रिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उनको इंटीग्रेशन आता होगा। तो इंटीग्रेशन वाले जो उल्टा इंजीनियरिंग वाला फंडा है, वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो
बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं गए हैं, एवरेज हैं या फिर बिलो एवरेज हैं, ठीक है, वही लोग ये चीज करेंगे। तो अगर एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज हो तो आपके पास में टाइम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि टाइम की कमी उन बच्चों को आती है जो पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। आप अगर 50-60% पेपर, 70% पेपर ही करने लायक हो तो आपको टाइम की कमी नहीं आएगी, आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पर क्वेश्चन दे सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रिक टॉपर्स के लिए नहीं है, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए टाइम की कोई बाउंडेशन बहुत ज्यादा वैसी नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज आप समझो, इस तरीके से आप उल्टा इंजीनियरिंग को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार ये हमारे पास में वीडियो बना है, इसके मैं आपको करेक्ट आंसर जरूर एक बार बता देता हूँ क्या भैया इसके करेक्ट आंसर्स क्या क्या थे, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी ना ये करेक्ट आंसर्स गलत होते हैं, मतलब बुक में आंसर की गलत होती है। तो जो भी आंसर्स मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, हमेशा इसको करेक्ट मत मान लिया करो। कभी कभी हो सकता है बुक में आंसर गलत दिया हुआ, मैं भी आपको वीडियो में आके गलत बता दूं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करके तो देखता नहीं हूं। यहां पर ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करके आपको दिखा दिया, बट ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला, मतलब एग्जैक्ट इसका 5√3 ही है। आई एम नॉट 100% श्योर ना, मैं स्टैम्प नहीं लगा सकता हूँ, 10 भी हो सकता है। सो मैं आपको क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर की बुक से देख के बताता हूँ, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करके कंफर्म करता हूँ। तो मेक श्योर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप खुद से उसको सॉल्व करके देखा करो कि उसका आंसर क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रिक्स बताता हूँ और बुक से आंसर की देख के आपको बताता हूँ। कभी कभी हो सकता है कि बुक में भी आंसर की गलत हो। इसका जो आंसर है ना, मैं आपको बताता हूँ, BBDB, ये आंसर है इसका, है बी, ठीक है। फिर इसका है बी 27/E2, फिर इसका हमारे पास में डी पैराबोला, और इसका हमारे पास में बी। तो आप वेरी क्लियरली देख सकते हो हमारा एक क्वेश्चन पक्का सही हुआ, दूसरा भी पक्का सही हुआ, तीसरा भी पक्का सही हुआ, और ये वाला जो है इसमें आधे बच्चों का सही होगा, आधों का सही नहीं होगा, क्योंकि ये 50-50 प्रोबेबिलिटी है, बीसी में से आपको मार्क करना है। तो आप देखो, चार में से तीन या फिर चार क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चों का तीन तो हो ही जाना चाहिए, कुछ बच्चों का चार आउट ऑफ चार भी हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर हम इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ये एक एपिसोड है, इसके पहले हम कितने एपिसोड्स देख चुके हैं, इसके बाद एक एपिसोड और आएगा। हम लोग मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मिला के अभी तक 32 क्वेश्चंस देख चुके हैं, इसके अगले एपिसोड में हम लोग चार और क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 36 क्वेश्चंस हो जाएगा जो हम जेईई मेन 2016 के पेपर में से देखेंगे, ठीक है। बहुत ही कमाल की ट्रिक्स थी उल्टा इंजीनियरिंग, ये बहुत शानदार ट्रिक के काम आएगा आपको हर बार। एलिमिनेशन के टेक्निक्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे यहाँ पर, ये डायग्राम अप्रोच बहुत ज्यादा काम आएगा, यहाँ पर डायग्राम अप्रोच बहुत ज्यादा काम आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा भी रखे हैं कोर्स के अंदर में, लेटेस्ट पेपर 2021 के पेपर्स को लेकर मैंने आपको बताया किस तरीके से उसमें ट्रिक्स लग रहा है। तो आप लोग जरूर से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपको पूरे कैलकुलेशन समझने हैं, पूरा रिस्क मैनेजमेंट समझना है, अच्छे से पक्का करना है अपने इंप्रूवमेंट को, और वो भी कम टाइम में। तो आप लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, एज अ ब्रदर आप कह सकते हो, आपको एक जेन्युइन एडवाइस है, ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये मेरा कोर्स है इसलिए कह रहा हूं, बट दिल से अगर मेरा बच्चा भी होता ना तो मैं उसको एडवाइस करता कि इस कोर्स को लो, इसको रिलीजियसली फॉलो करो, डेडिकेटेडली फॉलो करो, बढ़िया से फॉलो करो, एंड सारी चीजों को सीख करके अपना स्कोर को आप इंप्रूव करो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार, आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।